वेलकम टू मंजू किचन। मंजू किचन में आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर, और वो भी बिना क्रीम, बिना मलाई और बिना काजू के। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए है मैंने आधा किलो मटर ली है छिली हुई, और मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और फ्रेंड्स, मटर हमारी कच्ची है तो पहले हम इसको थोड़ा उबालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पानी उबाल लिया है, अब इसमें मैं ये मटर डाल रही हूँ। इसको कम से कम हम 4-5 मिनट तक उबालेंगे, जिससे हमारी मटर सॉफ्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, साथ में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, जिससे हमारी मटर जल्दी गल जाएगी। फ्रेंड्स, जब तक हमारी मटर उबलती है तब तक हम अपना छौंक तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने रफली काट लिया है, और 8-10 कलियाँ लहसुन की, 2 अदरक के टुकड़े और 4 हरी मिर्च। फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल के डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं ये प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सारी डाल दूँगी और इसको हल्का हल्का भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मटर अब थोड़ी थोड़ी गल चुकी है, बस हमको ऐसे ही चाहिए। और इसको मैंने 5 मिनट तक उबाला है, और अब मैं इसमें से पानी अलग कर दूंगी, मटर अलग कर दूँगी। हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी भून चुकी है, तो फ्रेंड्स मैं अब इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, और इसको गलाने के लिए थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, और इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। हमारा छौंक रेडी है, बस हमको इतने ही गलाने हैं। और मैं अब गैस बंद कर रही हूँ और इसको हम ठंडा कर दूँगी। फ्रेंड्स, जब तक हमारे प्याज टमाटर ठंडे होते हैं तब तक मैं ये पनीर भून लेती हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, अब इसमें मैं ये पनीर डालकर हल्का हल्का इसको भून लूँगी। अगर आप भून के बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमको ऐसा पनीर भूनना है और जो बचा हुआ तेल है ये हमारे छौंक में कम आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आपका छौंक अभी भी ठंडा नहीं हुआ है तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें, जिससे ये ठंडा हो जाएगा और आराम से पिस जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी डालकर पीसा तो ये आराम से पिस भी गया और ठंडा भी हो गया। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच हींग और 1 चम्मच जीरा डाल के इसको भून लिया है। अब मैं इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालूंगी। इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच देगी मिर्च डाल के इसको भूनेंगे। अब इसमें हम तैयार किया हुआ छौंक डाल देंगे और अच्छी तरह से चला देंगे, और ये मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर, और ये बची हुई जो छौंक है ये भी हम कढ़ाई में डाल। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है ना हमारी ग्रेवी का। और फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन प्याज ना डालना चाहते हो उसमें तो आप टमाटर की मात्रा बढ़ा दें, सब्जी बहुत फर्स्ट क्लास बन जाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे हमारी सब्जी की ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो इसके लिए लेंगे 1/2 कटोरी दही, और इसमें ये 1 बड़ा चम्मच बेसन, ये भुना हुआ बेसन है, इसको मिलाकर बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसको हम अपने छौंक में डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी दही भी नहीं फटेगी और हमारी सब्जी की ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने दही में बेसन अच्छी तरह से फेंट लिया है, अब इसमें मैं ये मिला दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये दही और बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कम से कम 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा छौंक अच्छी तरह से पक चुका है, साइडों में से तेल भी नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्च और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इन सबको डाल के अच्छी तरह से पकाएंगे, 2 मिनट और पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा छौंक बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसमें ये मटर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं ये 1 ग्लास पानी भी डाल दूंगी, और अब इसको ढककर कम से कम 5-10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारी मटर में ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मटर हमारी उस टाइम उबल गई थी और थोड़ी सी इस ग्रेवी में पक जाएगी, अब इसको ढककर कम से कम 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारी मटर अच्छी तरह से पक चुकी है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का। अब मैं इसमें ये पनीर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, अब मैं इसमें ये चॉप्ड हरा धनिया डाल दूंगी। अब इसको सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है और हमारी सब्जी तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मटर पनीर बिल्कुल रेडी है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पनीर ऊपर से कद्दूकस करके डाल दूंगी, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारे मटर पनीर, इसको मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाकर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका मटर पनीर कैसा बना है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइए। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।